में डेंगू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नगर निगम विभाग लगातार संबंधित विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ बैठक कर इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कार्य कर रहा है। बता दें कि नगर निगम कर्मचारियों द्वारा यहां युद्ध स्तर पर साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। वहीं जल जमाव वाले स्थानों पर एंटी लार्वा व अन्य दवाइयों का छिड़काव भी कराया जा रहा है। वहीं कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि संचारी रोग नियंत्रण को लेकर जो भी शासन के निर्देश में है उन्हें सख्ती के साथ लागू कराया जाए। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया का जो रोग है इधर देखने में आ रहा है कि अन्य जनपदों की तरह गोरखपुर जनपद में भी ये तेज़ी से पांव पसार रहा है। अभी हम लोगों ने परसों भी एक बहुत बड़ी मीटिंग किया था, सभी हमारे इंस्पेक्टर सुपरवाइज़र उसमें आए थे और इन सभी लोगों को बताया गया है कि वो तेज़ी से जितनी भी हमारी नालियां हैं वहाँ पे घास जो आधी निकली उसे पूरा कटवा दें, वहाँ पर चूना और मेलनथियोन के घोल का छिड़काव कराएँ, एंटी लार्वा का छिड़काव कराएँ, जहाँ जहाँ जरा भी सघन बस्तियाँ हैं, दलित मलिन बस्तियाँ हैं उनको चिन्हित कर वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से जो है किंग फॉक का जो है छिड़काव कराया जाए जिससे कि जो भी मच्छर हैं तत्काल ही मर जाएं। तो ये लगातार ये रणनीति बनाकर इसके साथ साथ हम लोग डेली जो है हमारे पास जो 45 से ऊपर इसकी टीम है उनको कहा गया है कि जहाँ जहाँ जाएँ वहाँ के वीडियोग्राफी भी कराएं, उसकी फोटोग्राफी भी उनके पास होनी चाहिए और वहाँ के संबंधित चाहे अधिकारी हों चाहे पार्षद जी हों या वहाँ के नागरिक हों उनसे भी हस्ताक्षर करा के लाएँ जिससे कि सुनिश्चित हो सके कि संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए जो कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं उनका अनुपालन हो रहा है कि नहीं। और इस संबंध में सभी को बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं पर भी इस काम में किसी के खिलाफ भी जरा भी लापरवाही की बात सामने आती है तो कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।